रामपुर शाहबाद नगर में बारिश होने से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं गरीब विधवा का मकान भी ध्वस्त हो गया और एक नीम का पेड़ बिजली के तारों पर गिर गया। तारों के तनाव से खंभा टूटकर एक मकान पर गिर गया, पर बड़ा हादसा होने से बच गया। शाहबाद में आज प्रातः से ही मूसलाधार बारिश हो गई थी। जैसे ही प्रातः 9 बजे बारिश हल्की हुई तो मोहल्ला फरशा निवासी स्वर्गीय तफसीर खां अमीन की विधवा पत्नी नसीम बेगम का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। नसीम बेगम मकान के बाहर आंगन में थी, अन्यथा हादसा हो सकता था। इनको पैसे दिए बिना प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास नहीं मिला है। इसी क्रम में नगर के मोहल्ला कानून गोया निवासी शहजादी के घर में नीम का पेड़ खड़ा था। वे भी लगभग 9 बजे जड़ से उखड़कर यहां रास्ते में बिजली के तारों पर आसपास के मकानों पर गिर गया। तारों के साथ साथ बिजली का खंभा भी टूटकर गिर गया। गनीमत यही रही कि बिजली गुल थी। अब बारिश में नहा रहे बच्चे बारिश रुकने के कारण अपने अपने घरों में जा चुके थे। कोई राहगीर भी नहीं निकल रहा था। इसमें मोहम्मद उमर के मकान को कुछ नुकसान पहुंचा है। ये अभी गिरा है। ये बारिश से पहले या बारिश के होते हुए या बारिश से बाद में होते ही गिरा है? तो आपको जो है कॉलोनी नहीं मिली जो अब तो इस वक्त सरकार काफी पक्के मकान दे रही है? नहीं, आपने कहीं अप्लाई किया है किसी मेंबर से? कहा अब तो सुना मेंबर ही दे रहे हैं। ना, मेंबर से नहीं गया है। अच्छा, मतलब आपको कॉलोनी नहीं मिली अभी तक जी? तो आप SDM से कहिए, आप वो नगर पंचायत में EO से कहिए, किसी से तो आप कहिए। अच्छा, ये आपने इसकी रिपोर्ट दे दी है कहीं पे जो आपका ये मकान गिर गया? जी ना। आपके मकान की कितनी क्षति हुई है इससे? क्षति हुई है, खैर क्षति तो ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन ये जो पेड़ है खंभा से ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे जान माल की ज्यादा क्षति हो रही है। इससे ये है कि खंभा जो कि गिरा है, इससे ये घर पर है, इससे नुकसान होने का ये सारा, क्या अगर लाइट चलती होती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती। ये किस समय गिरा है ये पेड़? ये सुबह जो बारिश हुई थी सुबह, उस समय की बात है। मतलब पहले नीम का ये पेड़ गिरा तारों पे और तार जो है खंभे को लेकर गिरे, ऐसा है ना? जी जी जी। तो पहले करंट चल रहा था? पहले उस समय ये था, लाइट भगी, लाइट नहीं थी। अच्छा, अगर लाइट उस समय होती तो बड़ा हादसा होता। टाइम क्या था? टाइम करीब 9:45 के आसपास का टाइम था। अच्छा, अभी गिरा? जी जी, अभी की बात, सुबह की बात है। ये लगभग कितने वर्ष पुराना पेड़ होगा? ये तो करीब इतना पुराना है कि छोटे थे जब से हम उसको देख रहे हैं। 30 साल पुराना। करीब 30।